वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन द इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, अभी जो न्यू नोटिस आया उसको तो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे एक अलायंस के मेंबर ने एक ये वाला जो गलती है वो की है। तो ये जो CTP है ये कैप्टन मार्वल को नहीं देना चाहिए था। कैप्टन मार्वल के पास ऑलरेडी सुपर आर्मर है तो उसको गार्ड बैक इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, और डैमेज प्रॉक्सी भी उसको नॉर्मल ऑब्लिक्स में दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये गलती की है। तो ऐसी जो गलती है CTP देने का जो गलती है, ये मिस्टेक जो है, ये मिस्टेक आप लोग प्लीज़ मत करो कैप्टन मार्वल के बारे में। कैप्टन मार्वल को CTP की ज़रूरत नहीं है। CTP अगर दूसरा देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कैप्टन मार्वल को देना नहीं है। ये CTP स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर को ठीक है, जिसके पास गार्ड भी कम्युनिटी नहीं है ऐसे कैरेक्टर के लिए ठीक है, लेकिन कैप्टन मार्वल पे नहीं। हाँ, अभी दूसरा एक बताता हूँ कि Tier 3 किसको करना चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका शेरन रॉजर्स ठीक है Tier 3 के लिए, Tier 3 के लिए कैप्टन मार्वल सही नहीं है। अभी आगे जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके अंदर हो सकता है कि वुल्वरीन Tier 3 आ जाए, तो ऐसे में CCF का खर्चा और एंड गेम का खर्चा बहुत भयानक निकल के आएगा। मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी से वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज़ सोच समझ के Tier 3 करें किसी भी कैरेक्टर को, सोच समझ के। CCF कोई ईजिली मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो रेयर चीज़ है, बहुत मुश्किल से मिलती है, अच्छी तरह से सबको मालूम है। तो बहुत सोच समझ के किसी भी कैरेक्टर को Tier 3 के पोटेंशियल में बहुत सोच समझ के पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो नोटिस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसे मैंने पढ़ा नहीं है, ना ही मैंने देखा है, तो सबसे पहले इस नोटिस के बारे में पढ़ता हूँ क्या ही है। ठीक है, स्लो ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। CM फिर मॉडल फ्यूचर फाइट हियर अवर गुड न्यूज एजेंट्स वांट टू देयर गोल्ड इफेक्टली अवर कलेक्टर वैलेट सॉरी वैलेट वॉलेट कलेक्टर्स वॉलेट इवेंट शेड्यूल गाइड है। इसके अंदर क्या चीज़ है वो थोड़ा देखता हूँ मैं, कि मैंने देखा नहीं है, अभी देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। टोटल 2 परचेस शेड्यूल, यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ परचेस करना, 2 बार परचेस कर सकते हैं। राउंड और स्टैंडली टाइम, वॉलेट ओपन वॉलेट क्लोज, इवेंट एंड, यहाँ पे सबका टाइम दिया हुआ है। 2 टाइप है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड 5 बजे का टाइम है, उसके बाद में 6 बजे का। अभी इंडिया में क्या टाइम है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे होप एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि 8:30 बजे के बाद ये एक्टिव रहेगा।
उसके बाद में जब इसकी लास्ट डेट होगी तब 8:30 बजे बंद हो जाएगा। कलेक्टर्स वॉलेट पार्टिसिपेशन गाइड, इसमें भी पार्टिसिपेशन करना है। ये ना अपने गेम को प्रमोट कर रहे हैं एंड गेम से पहले, ये टोटली ऐसा ही इनका दिमाग चल रहा है गेम डेवलपर्स का, जहाँ तक मुझे लगता है। और मेरा जो सोचना समझना बोलना है बहुत ही सही चल रहा है इस मामले में। मेरी इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। Once the wallet open, you can enter the collector wallet room, the lower part of the game's main screen. Upon entering value room, you can have one plan which is a wallet to enter. If the collector wallet button is then visible to your main screen, the event starts. You please try and go to another screen game and return to main menu once again. Okay. ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, लेकिन ये क्या चीज़ें कितने में मिलेगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं सारा का सारा जो है वो मैथिक टिकट पर डाल दूँगा, क्योंकि मैथिक टिकट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CTP भले उतना मेरे इंपॉर्टेंट ना हो, CTP में सबके कैरेक्टर के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैथिक टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखता हूँ यहाँ पे आने के बाद क्या होता है। और 6-स्टार मेगा रैंक का टिकट मिलती है तो वो भी मैं सेव कर लूँगा, अगर मुझे चांस मिला तो। Upon entering wallet, you can press the purchase button. Upon clicking the purchase button, you will be acquire item random. Okay, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ। 50 गोल्ड में परचेस करने को मिलेगा, CCF मिलेगा, डिमेंशन डस्ट और कंपोनेंट पैक दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में ऑब्लिस्क है और कुछ नए तरह के मटेरियल है। मेरे कैसे उसके अंदर उरू है, आयोसेट है और कुछ अलग ही तरह के मटेरियल है। मेरे कैसे नॉस्टन ऑफ ऑल टाइप के होंगे, गेयर किट है, डिमेंशन डेब्रिस है, बाकी यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे वंस अक्वायर मेमेंटो आइटम, मेमेंटो द परचेस आइटम विल डिसअपीयर एंड यू विल नॉट एबल टू अक्वायर अनदर मेमेंटो सी द आइटम सेम आइटम अवेयर मेमेंटो आइटम में मेमेंटो आइकॉन बिफोर वी स्टिल बी अवेलेबल इवन ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद में यहाँ पर ये इसका भी निकाल लिया। यहाँ पर उरू मिलने वाले 3-स्टार के, उसके बाद में 9 स्टोन, जैसे कि मैंने बोला था 9 स्टोन ऑफ अलग अलग टाइप के। उसके बाद में ऑब्लिस्क, CCF और कंपोनेंट पैक, डिमेंशन डस्ट तो यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन कंपोनेंट पैक दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर 2 टाइप के अलग अलग दिए हुए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा बाद में। CTP ऑफ क्या नाम है इसका, जो भी हो देखते बाद में। उसके बाद में फीचर आइटम Wallet 1 और Wallet 2, 6-स्टार मेगा रैंक का टिकट है Wallet 1 में और Wallet 2 में मेगा रैंक का Tier 2। गेयर किट 20, दोनों में लगभग सेम मटेरियल है, बस फर्क इतना होगा एक दो इसका फर्क होगा और मटेरियल जो है वो थोड़ा अलग है। इसमें 6-स्टार रैंक का टिकट है तो इसमें मास्टरी टिकट है, दोनों एक में अगर डाल देते तो मज़ा आ गया था। यहाँ पे दिखते अभी यहाँ पे 4th वॉलेट है और 3rd वॉलेट है, तो यहाँ पे 3rd में है वेटर्न। अब ये CTP ऑफ वेटर्न इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये तो मैं बाद में देखूँगा, और इसकी जो स्टेट है जिसकी पावर से जो इसके इफेक्ट है उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो वॉलेट #4 इसमें दिया हुआ है 6-स्टार मेगा रैंक अप मिथिक टिकट है, तो इसका भी यूज़ देखते अभी क्या है। और इसमें भी सेम वैसे ही दिया हुआ है,
मेरे लिए तो मेथिक टिकट इम्पोर्टेंट है। हाँ तो सिटी भी ऑफ वेटरन, सिटी ऑफ वेटरन या वेटरन बोलो या वेटरन बोलो एक ही पड़ेगा। इग्नोर डॉच रेट गार्ड बाई कम्युनिटी इंक्रीज क्रिटिकल रेट सॉरी क्रिटिकल डैमेज बाय 32%, हॉल अटैक एंड डिफेंस इंक्रीज 28% एंड 15% चांस टू अटैकिंग। उसके बाद सेल्फ, अब ये सेल्फ में क्या इंक्रीज करता है देखता है जरा में भी, 40% चांस टू अटैकिंग चेन हीट के यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेकंड के लिए। उसके बाद में जनरेट द शील्ड 30% मैक्सिमम एचपी और इग्नोर कैंसल एंड पियर्स इफेक्ट 3 सेकंड्स के लिए, इंक्रीज डैमेज बाय 150% का डैमेज पक दिया हुआ है। इनविजिबल इसमें नहीं है। तो ये जो सीटीपी है ये सीटीपी मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और ऐसे कई सारे कैरेक्टर है जिनके पास में गार्ड भी कम्युनिटी नहीं है और जिनको डैमेज प्रॉक की ज़रूरत पड़ती है ऐसे कैरेक्टर के लिए ये सही है। उसमें कैटेगरी में थॉर भी आएगा देखा जाए तो, लेकिन डिपेंडिंग करता है कि ये उसके लिए लायक है या नहीं या फिर 150 का डैमेज प्रॉक वर्क करता है या नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। कूलडाउन ड्यूरेशन सेकंड है 7 सेकंड्स का। उसके बाद में मैक्सिमम ऑप्शन अवेलेबल कैन नॉट ऑब्टेन द सीटीपी थ्रू द सेक्टर सीटीपी, वैसे ही मिल सकता है जहाँ से बाकी सीटीपी मिलते हैं, जैसे एग्जांपल गोल्ड क्रिस्टल अगर स्पेंड किया जाए तो वहाँ से सीटीपी मिलने के चांस रहते हैं, तो वही से ये मिलेगा। अब देखते हैं कितने लोगों को मिलेगा कितने लोगों को नहीं मिलेगा। मैं तो बिल्कुल भी इसके लिए अपने क्रिस्टल वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा एंड गेम पर मिलूँगा। परचेसिंग आइटम द इनसाइड कलेक्टर वॉलेट, कंज्यूम 50,000 गोल्ड। उसके बाद में ओनली फिक्स द नंबर ऑफ एजेंट्स कैन गो इनसाइड वॉलेट एट वंस, वॉलेट कॉन्टेंस 8 बेसिक आइटम 4 मेमेंटोस आइटम एंड स्पेशल रिवॉर्ड विच इज़ द फाइनल रिवॉर्ड, वंस द स्पेशल रिवॉर्ड हैज़ बीन एक्वायर एंड बाय एजेंट वॉलेट विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज। देर आर 8 काइंड्स ऑफ बेसिक आइटम अवेलेबल फॉर परचेस एवरी वॉलेट वॉल्ट सॉरी ईच बेसिक आइटम कैन बी ओनली परचेज द लिमिटेड अमाउंट, द मोर बेसिक आइटम परचेज चांस टू एजेंट्स रिक्वायर मेमेंटोस इंक्रीज एज वेल। इसमें ठीक है, अब मैं पीछे चले जाता हूँ, देखते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल मिलती है। सॉरी मुझे तो लास्ट वाला ही दूंगा मैं, क्योंकि मेरा दिमाग हो गया ख़राब। एक तो इन लोगों ने 150 का डैमेज प्रॉक दिया, ऊपर से इसका जो सीटीपी मिलने का जो चांस है, जो जहाँ से इसका लोकेशन है वो सीटीपी के चेस्ट से है, जहाँ पे क्रिस्टल स्पेंड करके चांस या ट्राई कर सकते हैं हम लोग, कोशिश कर सकते हैं सीटीपी लेने का, वहाँ पर दिया हुआ है। तो ये टोटली मेरे हिसाब से बकवास है। इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ मैं लेना पसंद करूँगा, वो है मैथिक टिकट, क्योंकि वो वैल्यूबल है फॉर मेरे लिए, और बाकी जो बाकी कैरेक्टर हैं उनके लिए प्लेयर्स है उनके लिए शायद मेगा रैंक अप टीयर 2 टिकट वो हो सकता है, या फिर 6 टाइम मेगा रैंक के टिकट वो हो सकता है। अभी ज़रूरत के हिसाब से डिपेंडिंग है, लेकिन आदमी की कभी ज़रूरत ख़त्म नहीं थी, बस इच्छा पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर कमेंट ठोक के डालता हूँ।